हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी ग्रुप की वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, निफ्टी 50 का स्टॉक बताऊंगा, जिसमें आप सभी लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ दिन में इस कंपनी का प्राइस भाई 10,000 का हो जाएगा। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। ये कंपनी आपको एनुअली 50 से 70% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है। तो भैया, आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए जगह दीजिएगा। यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के 25-30 सालों में करोड़पति अरबपति बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी भाई आपका कैपिटल सेफ रहेगा। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही, आलतू फालतू कंपनी में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाने का। आप लोग का भाई पैसा बना है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते, नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो बेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू जल देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, उनके प्रोडक्ट अच्छे, उनके सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 200.24 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 423.05 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर वाइज 200 से 423 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 211.56 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 448.56 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज, 211 से 448 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 149.22 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 302.03 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 149 से 302 हो चुका है। एविटा देख लो, एविटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एविटा था वो 160.64 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 327.54 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एविटा है ईयर टू ईयर वाइज, 160 से 327 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एविटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई तो आपका पैसा बहुत ही तेज़ी से बनेगा। तो इस कंपनी में पोजीशन बनाइए, क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है, बहुत बड़ी ग्रुप की कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस पर देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 125.93 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 125 से 307 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 125.93 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका रिपोर्टेड पैट है ईयर टू ईयर वाइज, 125 से 307 हो चुका है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 7.91 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 19.30 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज, 7 से 19 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं,
तो आप सभी लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, खरीद के रख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। आप लोग अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। तो भैया इस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, निफ्टी 50 का स्टॉक है भाई। कुछ दिन में इस कंपनी का प्राइस 10,000 का भी हो जाएगा। यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के करोड़पति अरबपति बन सकते हो। जब भाई निफ्टी 50 का स्टॉक में आपको 50, 60, 70% रिटर्न मिलता है तो आप लोग डेली मल्टीवेल स्टॉक क्यों ढूंढते हो? बजाज फिनसर्व में पैसा लगाओ ना, बजाज फाइनेंस में पैसा लगाओ। बजाज फिनसर्व के अंदर फ्रेंड दो कंपनी आती है, बजाज की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और जेनेस कंपनी। ये दोनों कंपनी भी आने वाले सालों में बाजार में लिस्ट हो सकता है। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, बजाज फिनसर्व को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा, बजाज फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा। ये सब स्टॉक आज से 7 साल पहले ही महंगा था, 2 साल पहले ही महंगा था, 6 महीना पहले ही महंगा था, आज भी महंगा है, आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। HDFC AMC को अपने पोर्टफोलियो में जगह दो, ICICI लोमार्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दो। कोशिश कीजिए भाई क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाने का, आज ना कल तो पैसा बनेगा ही इन कंपनियों में। ICICI लोमार्ट में अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है तो खरीदिए। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्व को जगह दीजिएगा। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्सन भाई होने ही वाला है, बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने ही वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। बजाज फिनसर्व लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 2,957.74% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। सेंसो का रिटर्न है वो 152.98% रिटर्न है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में 206.18% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 47.91% रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में 60.08% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 15.66% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में 3.22% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है -0.03% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में 2.59% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है -0.81% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में 1.69% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है -0.23% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 1.40% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 0.18% रिटर्न है। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में बजाज फिनसर्व को जगह दीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई। निफ्टी 50 का स्टॉक है ये कंपनी, आपको एनुअली आराम से 50 से 60-70% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है। बजाज फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लग रहा है भाई बजाज फिनसर्व में बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो सकता है 29 तारीख को। बजाज फिनसर्व का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 60.50% होल्डिंग है। FIs के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में 8.75% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में 4.09% होल्डिंग है। आने वाले सालों में FIs और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है भाई वो और भी इंक्रीज हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में 1.64% होल्डिंग है। अदर DI पर जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में 0.80% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में 24.09% होल्डिंग है। कोई भी शेयर भाई बजाज फिनसर्व का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है वो 39% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसर्व में वो 16.84% होल्डिंग है। वैल्यूएशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बजाज फिनसर्व का।
पी रेशियो है बजाज फिनसर्व का 40.68 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो बजाज फिनसर्व का 5.84 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भाई बहुत ही गंदा है बजाज फिनसर्व का 0.03% का है। आर ओ सी रेट दे सकते हो बहुत ही बढ़िया है भाई 45.24% का है जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। आर ओ ई देख लो 14.35% का। तो भैया मुझे इसका आर ओ सी आर ओ ई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई 45% का आर ओ सी बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैल्यूएशन देख सकते हो वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो भैया ये स्टॉक आज से 7 साल पहले ही महंगा था, 2 साल पहले ही महंगा था, 3 महीना पहले ही महंगा था, 6 महीना पहले ही महंगा था, आगे भी महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कल बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो सकता है बजाज फिनसर्व में। क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ बजाज फिनसर्व का गुड बता रहा है भाई। सेल्स ग्रो देख लो बहुत ही बढ़िया है 49.75% का। एविट गो देख लो 28.30% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एविट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने किस टाइप से टर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में टर्न है वो 2,957% टर्न है, 5 साल में 568% टर्न है, 3 साल में 206% टर्न है, 1 ईयर में 60% टर्न है। तो देख सकते हो ये कंपनी लगातार रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। निफ्टी 50 का स्टॉक है भाई, टॉप की कंपनी है, इस कंपनी में आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, तो खरीद के भूल जाइए। मैं भी इस कंपनी में पैसा लगा के रखा हूँ तो आप लोग भी लगाइए। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे ना तो आपका पैसा बनेगा ही, कोशिश कीजिए क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाने का। यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के 25-30 सालों में अरबपति बन सकते हो। कुछ दिन में इस कंपनी का प्राइस 10,000 का भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि 29 जनवरी को बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि बजाज फाइनेंस का भी बोनस और स्प्लिट 10,000 के आसपास स्टॉक था तभी अनाउंसमेंट किया गया था, और बोनस और स्प्लिट दोनों साथ में हुआ था। तो देखो आगे क्या होता है, कल क्या होता है।